दुआ करें तो सबसे पहले दुआ यही कीजिएगा कि टॉस जीत जाए। पाकिस्तान के लिए इस इवेंट में मोहम्मद रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया है और विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं इवेंट के टॉप बैटर्स में वो, लेकिन उनकी फिटनेस पर कुछ सवालिया निशान है। मिडिल ऑर्डर कभी कभी लगता है चाइना का मिडिल ऑर्डर, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर देख लें क्या होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं सलीम खालिक और आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम टॉक क्रिकेट। पाकिस्तान क्रिकेट के लिए आज बहुत बड़ा दिन है, पाकिस्तान का एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका से मुकाबला हो रहा है दुबई में और अच्छा मौका है बाबर आजम के पास कि वो पाकिस्तान के तीसरे कप्तान बन जाएं जिसने एशिया कप जीता हो। इससे पहले मोइन खान और मिसबाह उल हक की ज़ेर क़यादत पाकिस्तान ने एशिया कप की ट्रॉफी अपने नाम की है और देखते हैं कि आज क्या होता है। पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस जो है इवेंट में मिली जुली रही, पहले मैच में भारत से शिकस्त हुई, आखिरी मैच में श्रीलंका से शिकस्त हुई। मिडिल ऑर्डर बैटिंग पर सवालिया निशान अब भी बरकरार हैं, फिटनेस के मसाइल भी कुछ हैं। आज के शो में हम पाकिस्तान टीम की मुमकिन परफॉर्मेंस पर बात करेंगे और टीम में क्या कोई तब्दीलियाँ हो रही हैं उस हवाले से भी निशान करें। तो प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। एशिया कप का फाइनल आज हो रहा है दुबई में और श्रीलंका में ये टूर्नामेंट होना था लेकिन वहाँ के खराब हालात की वजह से इसे यूएई मुंतकिल कर दिया गया। श्रीलंकन टीम को कोई किसी खातिर में लेकर नहीं आ रहा था लेकिन श्रीलंकन टीम फाइनल खेल रही है और नाकाबिले शिकस्त रही है। सुपर फोर में वो चारों अपने मैचेस जीते हैं। इवेंट के पहले मैच में उसे अफगानिस्तान ने हराया था। एक खास बात यह है कि श्रीलंकन टीम चेस करने में बड़ी माहिर नजर आ रही है और चारों मैचों में जो फतह उसने हासिल की है हदफ का कामयाबी से ताकुब किया है। तो अगर आप लोग पाकिस्तान टीम के लिए दुआ करें तो सबसे पहले दुआ यही कीजिएगा कि टॉस जीत जाए। टॉस जीते तो उससे बड़ा फायदा होगा, टॉस जीते और उसके बाद श्रीलंका को पहले बैटिंग दें तो एक एडवांटेज पाकिस्तान को मिल जाएगा। पाकिस्तान के लिए इस इवेंट में मोहम्मद रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया है और विराट कोहली के बाद दूसरे नंबर पर हैं इवेंट के टॉप बैटर्स में वो, लेकिन उनकी फिटनेस पर कुछ सवालिया निशान हैं। अच्छा मौका था रिजर्व विकेट कीपर को बुलाने का ताकि गैर अहम मैच जो थे उसमें उसको खिलाया जाता। अब काफी पहले पता चल चुका था कि रिजवान मुकम्मल फिट नहीं है लेकिन न जाने क्यों चीफ सेलेक्टर साहब ने कोई रिप्लेसमेंट नहीं भेजा। शायद टीम की जो बाज़ अहम शख्सियात हैं वो भी किसी रिप्लेसमेंट को बुलाने में इतनी इंटरेस्टेड नहीं थी, लेकिन इसका नुकसान ये हुआ कि रिजवान को सारे मैच खेलने पड़े, गैर अहम मैच भी वो खेले और अब खदशा ये है कि खुदा ना खास्ता उनकी इंजरी कहीं ना बढ़ जाए और वर्ल्ड कप में कहीं कोई मसला ना हो जैसे कि शाहीन शाह आफरीदी के साथ हुआ था। क्योंकि रिजवान ने रेस्ट नहीं किया, मुसलसल खेल रहे हैं, जहाँ रेस्ट करने का वक्त आया तो वो काउंटी क्रिकेट खेलने चले गए थे। अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि फाइनल में भी वो हमें दस्तयाब होंगे मुकम्मल फिटनेस के साथ और अब तक कोई ऐसी इत्तलात तो नहीं आई है और जो आखिरी मैच है श्रीलंका का उसमें भी वो पूरे वक्त फील्ड में ही रहे तो ऐसा कोई फिटनेस का फिलहाल तो रिजवान को मसला नहीं लग रहा, लेकिन बाद में कहीं ना हो इस हवाले से टीम मैनेजमेंट को कुछ सोचना चाहिए। बाबर आजम के लिए टूर्नामेंट अब तक अच्छा नहीं गया, पांचों मैच में वो कोई बड़ी इनिंग नहीं खेल पाए और बहुत रेयर होता है कि बाबर आजम इस तरह आउट ऑफ फॉर्म हो और बाबर के पास मौका है फाइनल में अच्छा परफॉर्म करें और इस जो परफॉर्मेंस उनकी खराब हुई है उसका मुकम्मल अजाला करें। फखर जमान जो है वो भी बड़ी इनिंग खेलने में नाकाम रहे हैं ज्यादा और उनके ऊपर भी काफी सवाल उठ रहे हैं और फखर के पास भी यही चांस है बाबर की तरह कि वो भी फाइनल में एक बड़ी इनिंग खेलकर सबका जो नाकामियां हैं उनका अजाला करें। लेकिन जो तीन नाम है रिजवान बाबर फखर, इन तीन के गिर्द ही हमारी बैटिंग लाइन जो है वो घूम रही होती है। मिडिल ऑर्डर में है तो बड़े प्लेयर लेकिन वो परफॉर्मेंस में उनकी तसलसल नहीं है। मिडिल ऑर्डर कभी कभी लगता है चाइना का मिडिल ऑर्डर, चल गया तो चल गया, नहीं चला तो फिर देख लें क्या होता है। ये होना नहीं चाहिए, हमारे प्लेयर्स को अपनी परफॉर्मेंस में तसलसल लेकर आना पड़ेगा वरना टीम को मुश्किल होती रहेगी। जैसे श्रीलंका के खिलाफ आखिरी मैच में देखा कि किस तरह हमारी जो बैटिंग लाइन है वो नाकाम हुई। फाइनल जीतना है, सबको परफॉर्म करना है। बाबर रिजवान फखर की तरफ नहीं देखें, आप लोग खुद भी आगे आए, खुश दिल हैं, आसिफ हैं, जो भी है सब जिसको मौका मिले अच्छा परफॉर्म करें, इफ्तिखार हैं, थोड़ा थोड़ा अपना कंट्रीब्यूट करते रहें। 20 ओवर का तो मैच है यार, थोड़ा थोड़ा भी कंट्रीब्यूट करेंगे अच्छा स्कोर बन जाएगा। बॉलिंग की अगर हम बात करें तो बॉलिंग में पाकिस्तान के लिए इस वक्त मोहम्मद नवाज जो है अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और 9 विकेट ले चुके हैं, शायद दूसरे नंबर पर हैं कामयाब बॉलर में इवेंट के। नसीम शाह की परफॉर्मेंस भी बेहतर है, शादाब खान ने अच्छा परफॉर्म किया था, शादाब और नसीम को रेस्ट कराया गया था श्रीलंका के खिलाफ गुज़िश्ता मैच में, दोनों कमबैक करेंगे, पाकिस्तान टीम की स्ट्रेंथ और बढ़ जाएगी। फील्डिंग में कुछ मसाइल नज़र आ रहे थे और अब जो एक मैच हारी है श्रीलंका से एक तरह से अच्छा ही हुआ। आप बोलेंगे हार में क्या अच्छा हुआ, अच्छा ये हुआ कि फाइनल से पहले आंखें खुल गई प्लेयर्स की, टीम मैनेजमेंट की, और अगर बहुत ज़्यादा ऊंचा उड़ रहे थे तो अब कदम नीचे आ गए होंगे कि जी ज़रा ध्यान से खेलना पड़ेगा। श्रीलंकन टीम को आप आसान हरगिज़ नहीं समझ सकते,
बड़े स्टार्स नहीं है, लेकिन ये टूर्नामेंट श्रीलंकन प्लेयर को जो है बड़े स्टार्स दे गया। वो जो प्लेयर हैं उनके लो प्रोफाइल में है, जैसे निशान का सबसे जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस जारी है, लो प्रोफाइल में रहते हैं वो, लेकिन वो लोग जो है वो परफॉर्म करते रहते हैं। फाइनल खेलना जो है और सिर्फ एक शिकस्त के साथ फाइनल खेलना बहुत बड़ी बात है। श्रीलंका कोई तरने वाला नहीं है, उसने साबित कर दिया, तो पाकिस्तान टीम को बड़ी जान लगानी पड़ेगी इस मैच में। एक अच्छा मैच जो है वो एक्सपेक्टेड है, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान टीम जीत जाएगी। इसलिए नहीं कि पाकिस्तान टीम मेरी टीम है, इसलिए कि जब कभी कोई बड़ी टीम इस तरह से कोई मैच हारती है फाइनल से पहले, तो जो फाइनल होता है उसमें बिल्कुल मुख्तलिफ नतीजा सामने आता है। देखते हैं क्या होता है। और दुबई में बड़ा जोश व खरोश तो पाया जाता है इस मैच के हवाले से। दुबई क्या, जाहिर है पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ क्रिकेट देखी जाती है पाकिस्तानी शायकीन तो बहुत खुश हैं कि टीम फाइनल में पहुंची है। मेरी बात हुई थी दुबई में कुछ दोस्तों से, खासतौर से साथी जो हमारे अब्दुल रहमान रजा है, उन्होंने बताया था कि टिकट सारे फरोख्त हो चुके हैं, और उसके अलावा इंडियन शायकीन, क्योंकि इंडियन टीम नहीं पहुंची फाइनल में, उन्होंने भी अपने जो टिकट से वो फरोख्त किए हैं, तो पाकिस्तानी पाकिस्तानी श्रीलंकन्स भी हैं दुबई में, तो उनकी भी हिमायत मौजूद होगी। और ऐसा नहीं नजर आएगा आपको जैसे अफगान लोगों ने किया कि पूरा कुर्सियां तोड़ तोड़ कर मारी थी, बड़ा ही खराब वो उनका बिहेवियर था, उस पर कभी बात करेंगे। लेकिन क्रिकेट में ऐसा होना नहीं चाहिए। हमारी टीम इंडिया से हारी थी पहला मैच में दुबई में ही था, सुकून से लोग वापस चले गए थे। लेकिन अफगानिस्तान के साथ जब भी पाकिस्तान का मैच होता है इस तरह की चीजें होती है, पता नहीं क्यों पाकिस्तान को वो अपना रिवायती हरीफ समझने लगे हैं, सारी चीजें भूल गए पाकिस्तान ने क्या क्या उनके साथ किया था। तो भाई अफगान भाइयों, आप हमारे भाई हो, इंडियन के साथ तो आप झपियां डाल रहे होते हो, हमारे साथ आप इस तरह की दुश्मनी कर रहे हो, तो ऐसा करें नहीं। ये याद रखें कि आपके क्रिकेटर जो है वो क्रिकेट हम लोगों ने सिखाई है, और अभी भी बहुत सारे अफगान क्रिकेटर ऐसे हैं जो पाकिस्तान में ही रह रहे होते हैं आके चुपके से, तो ऐसा होना नहीं चाहिए। हमें अपना भाई समझे, हम भी आपको भाई समझते हैं, फिर क्रिकेट है भाई, क्रिकेट में तो मिलजुल कर ही सारी चीज़ें दिखनी चाहिए। हार जाएँ तो हार जाएँ, क्या है, स्पोर्ट्समैन की तरह उसको जो है बर्दाश्त करना सीखें। शुक्र है फाइनल में अफगानिस्तान की टीम नहीं है, और श्रीलंका के साथ पाकिस्तान का मुकाबला होगा, और एक अच्छा मैच मुतवक्के है। गर्मी दुबई में बहुत है, मैं दुबई से वापस आया तो यहाँ कराची में भी गर्मी बहुत ही महसूस की, तो मौसम ही ऐसा चल रहा है, तो हम लोग तो आदी हैं पाकिस्तानी सब चीज़ के। अच्छे मुकाबले की तवक्को करें, इंशाल्लाह फिर फाइनल के बाद आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।